कुछ काम है नहीं, क्या करे? माँ नहीं, करिश्मा जी नहीं, क्या करे? टाइम पास करते हैं, खेलते हैं। ललकी पप्पा, आपके जाने के बाद बहुत बढ़िया, पहली बार चाय पी रहे हैं। करिश्मा जी, सीखिए सीखिए, अच्छी चाय कैसे बनती है सीखिए, नहीं तो घर पे आपके हाथ की चाय पीते ही हमें याद आता है रेलवे स्टेशन। अम्मा, रेलवे स्टेशन इतना ही पसंद है तो भर्ती क्यों नहीं हो जाते? दिन भर टाइपराइटर पे उंगली करके टिकट बांटिएगा। हे शिव जी, देख रहे सुन रहे हैं, क्या बोल रही है? देखिए भूलिएगा मत, हम आपके सांस हैं, इसीलिए आप जिंदा है। हम पिलाते हैं तुमको एक कड़क चाय। बर्डमैन कहाँ रखना है? माथा पे डाल दे हमरे। रे रे रे, रखना भीतर यार। ए बाप रे, निठल्ले प्रोफेशन चेंज। बस रे, नाइजीरिया का नेशनल एनिमल हो गया तुम्हारा। चीते, क्या हुआ तुमको? तुम इतना परेशान काहे लग रहे हो? क्या नहीं हुआ वो पूछिए मैडम। मुंबई मिशन में हमारे खुद के जेब से ना 60,000 रुपया लगा था, जिसमें से 40,000 रुपया ना हम अपने मकान मालिक से कर्जा लिए थे। आज उस सुबह में हमारे पास आया और कहा बेटा हमारा 40,000 रुपया दे दो। हम बोले कि चाचा हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे। फिर वो हमको दे दिया। क्या गाली? सारा सामान बांध कर फेंक दिया बाहर मैडम। ये तो ठीक बात नहीं ना मैडम। चीते, हम समझते हैं अभी ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है सबके लिए। मैडम सर गई हैं डीएसपी सर के पास, बतियाएंगी, कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगी इस बात का। उधर पुष्पा जी भी बहुत परेशान हो रही है, पता है? माँ को क्या हुआ है? पता नहीं, उनको किसी ने बोल दिया है कि वो हु 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 करके डांस करेंगी तो उनके पैसे जो है उनके पास वापस आ जाएंगे। तब से सिर्फ हु 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 करके ही डांस कर रही है, जगह जगह नाच रही है। इस चक्कर में हमें नचा दिया उन्होंने। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या क्या संभाले, उनको संभाले, खुद को संभाले, ड्यूटी संभाले, क्या करें। दिमाग का एकदम धई हो गया हमारे। देखिए हसीना मलिक जी, हम सब जानते हैं, हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी हमारे पास दो न्यूज है, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। आप पहले कौन सा न्यूज सुनना पसंद करेंगी? गुड न्यूज। ठीक है, अगर आप गुड न्यूज सुनना चाहती हैं तो हम गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं। डिपार्टमेंट ने आपके फंड रीइंबर्समेंट को रिकंसिडर करते हुए एक ऑडिटर को भेजा हुआ है। अब आपके ऊपर है, आप ऑडिटर को कन्विंस कर लेंगी तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है सर, ऑडिटर को कन्विंस करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी। अरे नहीं भाई, अभी तो आपने बैड न्यूज सुनी नहीं हसीना मलिक जी। ये जो ऑडिटर आ रहे हैं ना, ये कोई आम ऑडिटर नहीं है। ये सुनते कम है सुनाते ज्यादा है, समझते कम है समझाते ज्यादा है। अरे बात सुनता बाद में है, खाल पहले उतारता है और छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता है। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी दस्तक देने आ जाती है, अब इसे कैसे संभाले? ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो हम उनसे बहुत ही तमीज से और बहुत ही लिहाज से पेश आएंगे। अरे नहीं नहीं भाई, हम सब जानते हैं। दिक्कत तो ये भी है कि उनको ना ही बहुत तमीज पसंद है ना बदतमीजी। अरे एक बात के लिए उनको दो बार थैंक यू बोलो ना तो भी भड़क जाते हैं। गलती होने पे भी उनको सॉरी। एक ही बार बोलना है, दोबारा नहीं। अरे भाई, यही तो मात खा जाते हैं लोग कि उनकी एक गलती के लिए उन्हें 3 बार सॉरी बोलना पड़ेगा, नहीं तो उनको लगेगा कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो आज आ रहे हैं आपके थाने SHO हसीना मलिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, हम समझ गए, हम सब जानते हैं। बिल्लू, तुम चाहते क्यों यार? एक तो तुम्हारे सर पे बाल है नहीं, जो है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या करूं, एक काम करता हूं, उसको छील देता हूं। अरे भाई मेरे बाल है, मेरे तो काटो। अबे घुंगरू, बजना बंद कर दे, खामोश खामोश तुम क्यों बैठा, बोलो। हाँ वही तो, जो कल तक लाउडस्पीकर मोड पे था आज ऐसे साइलेंट फिल्मों के वायलेंट हीरो वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? मैं मतलब ही हूँ। वो तो पता है मैं गिरा हुआ हूँ। वो भी पता है, आगे क्या बोलना है वो बोलो।
मेरा परिवार, महिला पुलिस थाना प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरा बैठा हूँ। इसने मुझे चोर से इंसान बनाया, इज्जत के साथ लॉकअप में रखा और मैं नहीं, आज इनके नमक का कर्ज अदा करने का वक्त आ गया। घबरा मत बिल्ले, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ हाँ, मेरी माँ जाने के बाद मैं अपने बालों से खुद ही जुए निकालता था, आज रास्ता भी खुद ही निकालूंगा। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाल कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? तुम अपना काम करो, चुप बोल। मैंने कसम खाई थी, जो नहीं करूंगा वही आज वापस करूंगा। मेहनत करोगे? चोरी है? इन हाथों ने चोरी करना छोड़ दिया है, लेकिन भूले नहीं। यस, अपने परिवार के नुकसान भरपाई के लिए मैं इस दलदल में वापस कूदूंगा। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा अपने परिवार के खुशियों के साथ। शिरीन फराज, लैला मजनू, उसके पहले बिल्लू और महिला पुलिस थाने की कहानी लोग सुनाएंगे। बिल्ली यारो, मैं जा रहा हूँ। बदनाम भाई, आपको क्या लगता है ये बिल्ला कुछ कर पाएगा? अबे छापड़ी के, मेरे माँ के हाथ की कचोरी, बिल्लू दस पाई के हाथ की चोरी पे संदेह नहीं करते, समझा क्या? अमाओ तो आदमी, 3 घंटा हो गया तुमको भेजे हुए पुष्पा जी को लाने के लिए, कोई खबर ही नहीं है। तुम लेकर काहे नहीं आ रहे हो? तुम्हारा लाइन हाजिर करें क्या हम? मैडम, अब नाचते हुए इनको थोड़ी उठा के लेते हैं, कहीं गलती से हमारे ऊपर ही गिर गए तो हम तो उठ जाएंगे ना। मैडम एक काम कीजिए, आप ही नहीं पुष्पा जैक्सन जी को समझाइए। सुनिए पुष्पा जी, ये हु करने से अगर पैसा घर में आता ना, तो सब अपना काम छोड़ के घर पे बैठ के हु कर रहे होते, समझ लिया बात को? बस बस पुष्पा जी, मान जाइए ना, एकदम हरा रिच लग रही हैं। आखिरी बार हम आपको समझा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, क्या हुआ? जय हिंद मैडम सर। मैडम सर। ये अब तक? जय हिंद पुष्पा जी। सुनिए, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, हमारा रीइंबर्समेंट खारिज नहीं हुआ है। क्या? हाँ हाँ पुष्पा जी, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो गई हो। हेड ऑफिस की तरफ से एक ऑडिटर आने वाला है, जिसे हमें कन्विंस करना है कि हमने अपनी जेब से 4.5 लाख भरे हैं ड्यूटी के लिए। ओके? वाह वाह मैडम सर, क्या क्या न्यूज सुनाई है, पूरा दिल गदगद हो गया। हमने कहा था ना मैडम सर, चीते हमारे गाँव के जो पंडित जी है ना, वो बहुत पहुंची हुई चीज। हाँ हाँ पुष्पा जी, अब आप प्लीज डांस करना बंद करिए और थाने आइए, 1 घंटे के अंदर वो ऑडिटर पहुंचने वाले। जी मैडम। चाय, ये लीजिए बदनामी स्पेशल चाय। कितना भी मूड खराब हो जाए, इसे पीने के बाद दिल करे हाय हाय। अभी के अभी होठों से लगाइए, ठंडी होने के बाद मत पछताइए। हो गया कवि सम्मेलन, क्या तुम्हारे को अवार्ड ला के दे? अभी चाय दो। नहीं चाहिए। करिश्मा सिंह, अच्छा सुनिए, ये जो ऑडिटर आने वाले हैं, इनकी खातिरदारी में हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। हाँ बिल्कुल, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे मैडम से, कोई कमी नहीं। हम खुद जाएंगे, अपने हाथों से 58 भोग बनाएंगे और उनको चढ़ाएंगे। क्या बहुत पैसे हैं हमारे पास? नहीं नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा कुछ मत करिए जिससे उन्हें परेशानी, बस इतना ही। ठीक है, और तुम दोनों, हाँ। अभी सुना ना, एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे थाने में, उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी है। तुम दोनों और बिल्लू मिलकर, बिल्लू कहाँ है? आज सुबह से ही नदारद है। तुम दोनों को पता है? नहीं नहीं मैडम सर, हमने नहीं देखा। माँ कसम मैडम, बिल्लू जो है ना, वो जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत घुसा कर। हमें क्या पता बिल्लू उससे क्या लेना देना, हमें थोड़ी पता है। चुप रहो, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों, कहाँ है बिल्लू? मैडम ये छुपा रहा मैं नहीं, मैडम बिल्लू जो है आप लोगों को पैसे के लिए परेशान देखकर बिल्लू कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए चोरी करने गया है। क्या ये, क्या दिमाग खराब हो गया है बिल्लू का? अगर ये मजाक हुआ ना तो तुम दोनों, फिर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये क्या कर रहा है बिल्लू? दिमाग फिर गया उसका। अगर सच में उसने चोरी कर ली ना, तो उसे फिर से चोरी करने की लत लग जाएगी। रोका क्यों नहीं तुम दोनों ने उसे? हमने मना किया था, वो सुनता किसकी है? कचौरी। ओके गुड, सब आ गया। मैडम सर बाहर कोई आया आपसे मिलने के लिए? अरे ये वो ऑडिटर आ गए होंगे। करिश्मा सिंह आप यहाँ पर सब कुछ संभालिए। सुनो वो जल्दी फूल वाली माला लेकर आओ, जल्दी चलो। हाँ। जा, 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 जा। ओके आप लोग तैयार है? हाँ। ठीक है।
हेलो सर, SHO हसीना मलिक। हसीना मलिक जी। जी सर, महिला पुलिस थाने में आपका स्वागत है। वाओ, आते ही चला की लव, ये फूल देखकर फूल बनाने की कोशिश मत करिएगा और आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश मत करिएगा आप। नहीं सर, हम आपको फूल फूल नहीं बना रहे हैं। नहीं और करिएगा भी मत। जी सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमसे कोई गलती नहीं होगी। अंदर आइए ना प्लीज। आइए सर, प्लीज अंदर आइए। जी सर प्लीज। और क्या कह रही थी आप? हम बेफिक्र रहे हैं। जी सरकार ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, बेफिक्र रहने के लिए दी है। ऐसा है हसीना मलिक जी कि हम सामने वाले आदमी को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। जैसे कि मैं आपको देखकर बता सकता हूं कि आप एक बहुत ही वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाली और शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनालिटी से ग्रसित व्यक्ति हैं। सीखिए, अपने जूनियर से सीखिए कुछ। देखिए वो कितनी शांत है, सुशील है, चुप है। क्या नाम है तुम्हारा? जय हिंद सर, हमारा नाम करिश्मा सिंह है। ये आइंदा मुझे जय हिंद बोल के मेरी बेइज्जती मत करना, ठीक है? सर एक मिनट, जय हिंद और बेइज्जती हमें समझ में नहीं आ रहा, आप क्या तालमेल कर रहे हैं। दूसरा बात रहा जय हिंद का, तो वो आपका पद का हम सम्मान करते हैं इसलिए कहा था। सतर्क पांडे को ना ये कुतर्क से नफरत है। तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मेरे पास वर्दी नहीं है। तुम मुझे दिखाना चाहती हो कि तुम एक बड़ी ऑफिसर हो और मैं एक अदना सा ऑडिटर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा हम कतई नहीं आपको एहसास कराना चाहते। तो आपको लगता है कि हमने गलत समझा है? सर आप वो काहे नहीं समझ रहे हैं जो दुनिया आपसे कहना चाह रही है, आप वो काहे समझ जाते हैं जो दुनिया आपसे कहती नहीं है। तो अब आप हमें समझाएंगे कि हमें क्या समझना है? अच्छा है भाई तुम लोगों का, एक ऑफिसर हमें बेफिक्रा कहती है, एक नासमझ कहती है। तुम दोनों चुप क्यों हो भाई? आओ आओ, तुम भी एक दो गाली देकर जाओ, आओ। सर देखिए, अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी गलती की होती है, क्राइम की नहीं। क्राइम की सजा होती है और जो इन्होंने किया है उसे क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं। एक काम करिए, इन्हें पूरे दिन भर दरवाजे पे खड़े रखिए, तब जाके इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। जाइए करिश्मा सिंह, दरवाजे पर खड़े हो जाइए जब तक हम आपको अगला आदेश नहीं देते। जी सर, यहां बैठिए प्लीज। ये बाप मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? जाइए जाइए, जाकर इनवॉइस की फाइल लेके आइए। मैंने रिपोर्ट बड़े ध्यान से पढ़ी है, अच्छी है। नो डाउट एक एक बिल मौजूद है यहाँ पे। मैं डिपार्टमेंट से आप दोनों की बात करूंगा कि वाह क्या शानदार तरीका है आपका चोरी करने का। बहुत खूब, मतलब चार थाने मिलाकर 4.5 लाख का कभी बिल नहीं आया होगा, लेकिन आपने एक थाने से 4.5 लाख का इनवॉइस बना के भेजा है। सर माफ कीजिए, लेकिन आपने शायद ध्यान से नहीं देखा, हम मुंबई जैसे महंगे शहर में 5 दिनों तक रुके थे सर। क्यों रुके थे? काम लंबा था, बहुत सारा था, और हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को इस तरह अधूरा छोड़कर तो नहीं आ सकते थे ना सर। और आप जिम्मेदारी की बात कर रही है, आप वहाँ ड्यूटी करने गई थी या मौज मस्ती करने? मौज मस्ती करते समय आप ये भी भूल गई कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। कौन से प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं सर आप? आपको इतना भी नहीं पता कि रीइंबर्समेंट के लिए डिपार्टमेंट को प्री इन्फॉर्म करने के लिए आपको मेल भेजना होता है। सर शायद आपने ठीक से चेक नहीं किया, फाइल के 3rd पेज पर उस मेल की कॉपी अटैच्ड है।
चलिए आपको पहले तो कायदे कानून भी पढ़ाने होंगे। तो नियमों के मुताबिक अगर रीइंबर्समेंट का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होता है तो आपको हेड ऑफिस के साथ साथ कमिश्नर और SP ऑफिस को भी वो मेल CC करना होता है। किस सोच में पड़ गई यहां कि हमने आपकी चोरी कैसे पकड़ ली? सर देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि उस वक्त हम केस के ऐसे मोड़ पर थे कि हम सिर्फ किसी एक बात पर ध्यान दे सकते थे, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ केस पर ध्यान दिया सर। और जहां तक बात है 4.5 लाख रुपए की, तो हमारे थाने का रीइंबर्समेंट कभी भी 1 लाख से ऊपर नहीं गया, इसलिए हमारे ध्यान से निकल गया कि हमें इस मेल की कॉपी SP ऑफिस और कमिश्नर सर को भी भेजनी है। ये गलती हुई है हमसे सर। होता है क्या है ना, हॉलीडे के दरमियान बहुत सारी चीजें ध्यान से भटक जाती है, नो प्रॉब्लम। सर देखिए, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। इस रीइंबर्समेंट के मामले से हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारा पूरा स्टाफ सब बहुत परेशान है सर। अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो सबके परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। हसीना जी, मैं आपको सिंपथी तो दे सकता हूँ पर अप्रूवल नहीं। सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारी बात पर यकीन कीजिए। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ कानून को बचाने के लिए किया है। लेकिन अफसोस, आप अपना पैसा नहीं बचा पाई। जय हिंद सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से बेइज्जत किया है आप लोगों ने। दे बढ़िया चाय। एक मिनट आए। अरे का चाय पिला। हम देते हैं। ओ साहब, अरे बदनाम सिर्फ अपना ग्लास उठाता है, किसी का बटवा नहीं। कारे आदम खोर जवानी, किसका वॉलेट मार लाया तुम? ओ चीता, चोर नहीं है। अरे जो ऑडिटर गया ना, उसके जब से ये बटवा गिरा है वो उठा लिया। क्या सुंदर लड़की, दिखा तो। तो बड़ी सुंदर लड़की है जी। अरे ये तो हम हैं। हाँ वही तो। और ये बगल में, अरे ये पुष्पा जी आप हैं? हाँ। जय मैडम सर। मैडम मुबारक हो, अब आपकी सास नवाब जी के ख्यालों के अलावा दूसरे के बटुए में भी रहने लगी। देखिए देखिए देखिए, देखो हम मानते हैं ये तो हम हैं। है? ये कौन? ये तो चंपू है। दिखाई दे रहा है चंपू टाइप का है, लेकिन कौन है? नहीं नहीं, टाइप का नहीं, ये चंपू मतलब सत्तू। सत्तू? सत्तू मतलब सतर्क पांडे। सतर्क पांडे, और आप एक बात दिमाग में घुसा लीजिए कि सतर्क पांडे किसी से कभी घूस नहीं लेता। जी पुष्पा जी, अपने इस प्रेम प्रसंग पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या, क्या क्या प्रेम प्रसंग? क्या बाप रे बाप, अब तो ये भी परेशान हो गई है आपके प्रेम प्रसंग से। भक, चुप कर, कोई प्रेम प्रसंग वगैरह नहीं है। अच्छा, अरे कहां हम पुष्पा सिंह सुंदरता की मूरत, और कहां ये चंपू सतर्क। हाँ तो नवाबुआ कौन सा राजेंद्र कुमार दिखता है पुष्पा जी? उनकी बात अलग है। देख रहे ना मैडम, उनकी बात अलग। देखो कुछ नहीं देखना है, ना आपको देखा जा रहा है ना इस चंपू को देखा जा रहा है। और आप बताइए कि आप इस सतर्क के साथ ऐसी बेसतर्क फोटो बाइक खिंचवाई बैठी हैं, बताएंगी और कह रही कि कोई प्रेम प्रसंग नहीं था? मैडम सर, अब कैसे समझाए, कैसे यकीन दिलाए आप सबको? हम अब कॉलेज के जमाने में ऐसे बहुत से लड़के थे जो हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, ये सतर्क पांडे उन्हीं में से एक है। बाद में हमें पता चला मैडम सर कि वो हमसे एक तरफा प्यार करता था, मगर हमने उसे कभी घास भी नहीं डाली मैडम सर। वो तो दिखाई दे रहा है कितना घास डाला और कितना नहीं डाला है। नहीं पुष्पा जी, अब हम लोग इसका क्या मतलब है, ये मान लें कि आप ही वो इतिहास की पहली महिला हैं जिन्होंने फ्रेंड जोन नाम के कुप्रथा का शुरुआत किया था। नहीं, हमको तो पूरा यकीन है मैडम सर, इस सतर्क जी का ना बहुत पैसा खर्च करवाई होंगी।
चीता क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं मैडम सर, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ये जो जिद्दी आशिक होता है सब ना बहुत खतरनाक होता है, सब अजीबो गरीब तरीका से बदला लेता है सब, कभी कभी आईएएस ऑफिसर बन के और कभी कभी ऑडिटर बन के। तो देखिए बात ऐसी है पुष्पा जी कि कॉलेज में जो घास आपने उस ऑडिटर को नहीं डाली वही घास अब आप उसे डालेंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.